हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेयर मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है वो इस टॉपिक पर है, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कि क्लास सिक्स का लेसन है। तो आज हम इस लेसन को कवर करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मैंने आपको 29 लेसन प्लान ज्योग्राफी में और 39 लेसन प्लान इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिए हैं। मैंने आपको मैथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। सबसे पहले गाइस, इसका फॉर्मेट देख लीजिए आप। ये इसका फॉर्मेट है, आप लाइन्स वगैरह ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पर आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और गाइस, अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आप पाठ योजना नंबर डाल लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। देन आप यहां पर संस्था का नाम लिख लीजिएगा। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। देन यहां पर आता है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, तो यहां पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। जब आप बीएड कर रहे होते हैं गाइस, तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। देन है आपका, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। देन आप कक्षा लिख लीजिएगा, किस क्लास का ये चैप्टर है, तो ये आपका क्लास सिक्स का है, तो यहाँ पर क्लास सिक्स लिखेंगे। देन आपका आता है वर्ग, विषय में आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, देन आपका उपविषय में भूगोल आ जाएगा, और चक्र और अवधि, अवधि मीन्स आपकी क्लास जितने मिनट की होगी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। देन आता है आपका प्रकरण, आज का प्रकरण है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देन आता है आपका सामान्य उद्देश्य, आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो इसमें देखिए, आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स हैं आपके, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो यहाँ तक आपका ये सामान्य उद्देश्य हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन है आपका विशिष्ट उद्देश्य, देखिए आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है गाइस, आपके भूगोल शिक्षण के अंतर्गत आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य, और सब में आप इसमें 2-2 पॉइंट लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स हैं आपके, छात्र उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान सकेंगे। देन है आपका बोधात्मक उद्देश्य, छात्र उत्तर प्रदेश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में जान सकेंगे। देन है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र उत्तर प्रदेश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शा सकेंगे। देन है आपका छात्र उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में जान सकेंगे। देन है आपका शिक्षण विधि, गाइस शिक्षण विधि क्या होता है, आपका जो टीचिंग मेथड होता है इसमें देखिए प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि है। अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ दिखा रहे हैं, कोई चीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि भी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्नोत्तर विधि में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिव होते हैं, लेकिन जो आपका व्याख्या विधि होता है इसमें शिक्षक एक्टिव होता है और बच्चे निष्क्रिय होते हैं, इसमें बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं और शिक्षक व्याख्या देता है। देन है आपका सहायक सामग्री, ये क्या है, कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, लपेट, श्यामपट आदि, आप शिक्षण के दौरान जो चीज़ अपने साथ ले जाते हैं वही यहाँ पे आपका सहायक सामग्री में हो जाएगा। देन है आपका पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान क्या है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी
रखते होंगे। तो यहाँ पर देखिए पूर्व ज्ञान, छात्र उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देन आता है आपका प्रस्तावना। गाइस प्रस्तावना क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ का आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ सके, मीन्स समस्यात्मक आ सके। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं प्रस्तावना में, ये बच्चों की पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे एशिया। देन है आपका हम एशिया महाद्वीप के किस देश में रहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे भारत। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे हम भारत के किस राज्य में रहते हैं, तो यहाँ पर आ गया उत्तर प्रदेश। देन आपका क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन यहाँ पर आपका उद्देश्य कथन आता है, बच्चों आज हम हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। देन है आपका प्रस्तुतिकरण, यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन होता है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। तो यहाँ पर देखिए आपका दो शिक्षण बिंदुओं का, क्योंकि आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो इसमें आपके दो से तीन शिक्षण बिंदु हो सकते हैं, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका सिर्फ एक शिक्षण बिंदु होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका विकासात्मक प्रश्न होगा, छात्राध्यापिका कथन होगा, छात्र कथन होगा और श्यामपट सारांश होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे हमारे प्रदेश का क्या नाम है, तो बच्चे आंसर देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। देन आपका आता है उत्तर प्रदेश, आप यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे किसमें, शिक्षण बिंदु में। देन यहाँ पर आप छात्राध्यापिका कथन देंगे। अपने देश भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। इसके उत्तर में नेपाल देश तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। इसी प्रकार पूर्व में बिहार तथा झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में हरियाणा एवं राजस्थान राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। तो ये हो गया आपका छात्राध्यापिका कथन, मीन्स आप जो व्याख्यान देते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं श्यामपट सारांश में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे। देन है आपका बोध प्रश्न, अभी अभी जो आपने व्याख्या दी है उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे 650 किलोमीटर। देन है आपका फिर से शिक्षण बिंदु सेकंड आ जाता है, क्योंकि अभी भी आपने शिक्षण बिंदु फर्स्ट कवर कर दिया है, उसमें आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था, अब यहाँ पर आप जलवायु और ऋतुओं के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु व ऋतु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन यहाँ पर आप छात्राध्यापिका कथन देंगे, भौगोलिक विविधता के कारण हमारे प्रदेश में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी सामान्य रूप से यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ सामान्यतः वर्ष भर में 3 ऋतुएँ क्रमशः ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु होती है। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है, इस ऋतु में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं, इन्हें लू कहते हैं। मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, प्रदेश की 88% वर्षा इसी ऋतु में होती है, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जनपद में होती है। नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। तो ये हो गया आपका छात्राध्यापिका कथन। देन यहाँ पर होगा आपका श्यामपट सारांश में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन है आपका बोध प्रश्न, यहाँ पर आप बोध प्रश्न कर देंगे उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। देन आपका उत्तर प्रदेश की सामान्य रूप से जलवायु क्या है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आपका आता है निरीक्षण कार्य, अभी भी जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया है अब बच्चे उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगी। तो ये हो गया आपका। देन आता है आपका मूल्यांकन के प्रश्न, अभी भी आपने जितना भी पढ़ाया है उससे
रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आप बच्चों को का मूल्यांकन कर सकें। तो आपका क्वेश्चन होगा, हमारे प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ शीत ऋतु कब से कब तक होती है, यहाँ जलवायु कैसी है। देन आपका आता है गृह कार्य, यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विस्तार व जलवायु के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ तक आपका हो जाता है लेसन प्लान एंड। तो गाइज, अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।